बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.2 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 मीटर, सॉरी 1,000 मीटर्स है। अब किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर जो होता है वो छोटा होता है। हमारे पास है 1 किलोमीटर कितने के बराबर है, 1,000 मीटर्स के बराबर है। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, फिर ये टेबल फिलअप करना है, फिर टेबल ही हमने एक ग्राफ और बताना है कि ये किस तरह आया हमारे पास। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखूँगा इफ एक्स इज टेकन एज किलोमीटर। अगर हम एक्स को किसके बराबर ले, किलोमीटर्स के, एंड वाई इज टेकन एज मीटर्स। अगर हम x को किलोमीटर्स के बराबर ले और y को मीटर्स के बराबर ले तो हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा। देखिए हमारे पास है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1,000 मीटर्स। हमने क्या कहा, किलोमीटर्स को किसके बराबर लेंगे, x के, और मीटर्स को किसके बराबर लेंगे, y के। अब ये क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ, y जो है ऊपर आ जाएगा। अब किलोमीटर्स और मीटर्स हम नहीं लिखेंगे, याद रखें मैथमेटिक्स में अगर कुछ ना लिखा गया हो वहाँ क्या समझते हैं हम, वन है, तो इस वजह से ये वन मैं यहाँ पर नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं y लिख लेता हूँ। और दूसरी तरफ 1,000 लिखेंगे और x लिखेंगे, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, इफ अगर हम x को किसके बराबर ले, अगर हम x को 0 के बराबर ले तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1,000। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जीरो, इम्प्लाइज दैट का निशान, ठीक है। वाई इज इक्वल टू जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम एक्स की जगह क्या लिखें, वन, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 1,000, फिर क्या आएगा, वन, ठीक है। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, वन, देखते हैं क्या आता है, वाई इज इक्वल टू 1,000 को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1,000 ही आएगा। आगे चलते हैं, अगर x को हम किसके बराबर ले, 2 के, तो y इज इक्वल टू 1,000, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखा, इम्प्लाइज दैट का निशान आएगा हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 1,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, 2,000 ही आएगा। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 3, इस दफा हम x को किसके बराबर लेंगे, x को हम बराबर लेंगे 3 के, तो हमारे पास क्या बनता है, y इज इक्वल टू 1,000, x की जगह 3 लिखा, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बनता है, 3,000। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 4, अगर हम x की जगह 4 वैल्यू पुट करें तब क्या आएगा हमारे पास, 1,000 लिखेंगे, और x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, 4, x की जगह हमने 4 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बनता है, 4,000। हमारे पास ये कंप्लीट हो, 4 हमारे पास काफ़ी हैं, 4 सॉरी 5 नंबर बिल्कुल काफ़ी है हमारे पास। अब इस टेबल को हम फिलअप करेंगे, हमने x की जगह क्या लिखा, 0, आंसर हमारे पास क्या है, 0। x की जगह हमने क्या लिखा, 1, आंसर क्या है हमारे पास, 1,000। x की जगह हमने क्या लिखा, 2, आंसर हमारे पास क्या है, 2,000। एक्स की जगह हमने क्या लिखा, 3, आंसर हमारे पास क्या है, 3,000। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3,000। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, 4, यहां पर मैं 4 लिखता हूं, आंसर क्या है हमारे पास, 4,000। 4,000 हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आई, इन तमाम वैल्यूज को हमने x की जगह x की वैल्यूज लिखी और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब इस टेबल को हमने क्या करना है, ग्राफ पर शो करवाना है कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आया। हमारे पास ग्राफ बन गया, हमने इस फॉर्म में ग्राफ का सिर्फ हमारा ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा, इस वजह से मैंने सिर्फ यही वाला हिस्सा जो है वो बना दिया। अब y एक्सिस में y के नंबर लिख दिए, x एक्सिस में हमने x के नंबर लिख दिए, ठीक है। अब हमने करना है, देखें x हमारे पास क्या है, 0, तो x एक्सिस में 0 ये रहा, x के नीचे क्या है, y, y एक्सिस में 0 हमारे पास ये रहा, तो ये जो दोनों लाइंस आपस में मिल रही ये मीटिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास x क्या है, 1, x एक्सिस में 1 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर मैं डॉट्स लगा दूंगा, यहाँ पर मैंने डॉट्स लगा दिए, x के नीचे क्या है 1000, y क्या है 1000, तो y एक्सिस में 1000 के साथ हमने ऐसे डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। आगे चलते हैं, x हमारे पास क्या है 2, तो 2 में x एक्सिस में 2 हमारे पास ये रहा, यहाँ पर मैं डॉट्स लगा दूंगा, यहाँ y एक्सिस हमारे पास क्या है 2000, ठीक है 2000, y एक्सिस में 2000 ये रहा, यहाँ पर मैंने ऐसे डॉट्स लगा दिए, तो मीटिंग पॉइंट इसका क्या हुआ, ये हुआ। आगे चलते हैं, x एक्सिस हमारे पास क्या है 3, तो x एक्सिस में 3 यहाँ है, यहाँ मैं डॉट्स लगा दूंगा, ये जो डॉट्स हमारे पास है मैं हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए स्लाइड सा इनमें डिफरेंस आ जाएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्केल से जब आप लगाएंगे बिल्कुल सीधा आएगा। y हमारे पास क्या है 3000, तो y एक्सिस में 3000 से ऐसे हमने डॉट्स लगा देनी है, आपने स्केल से लगानी है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मीटिंग पॉइंट हुआ। आगे चलते हैं, x हमारे पास क्या है 4, तो x एक्सिस में 4 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, हमने स्ट्रेट ऐसे डॉट्स लगा देनी है, ये हमने डॉट्स लगा दी, 4 के नीचे क्या है 4000, तो y एक्सिस में 4000 ये रहा, यहां से हमने क्या करनी है, डॉट्स लगा देनी है, यहां से मैं डॉट्स लगा दूंगा, तो हमारा जो मीटिंग पॉइंट होगा वो ये होगा। अब हमने क्या करना है, इन तमाम डॉट्स में से हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन पास करवानी है, स्ट्रेट लाइन में यहां पर पास करवाऊंगा, हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। तो हमने ग्राफ पर बता दिया, जो हमने रिलेशन सॉल्व किया था वो टेबल के, फिर हमने बनाया वो टेबल, हमने अभी ग्राफ पर बता दिया कि भाई ग्राफ पर हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये आपका क्या हो?